हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर 10 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द कलर ऑफ सीड लॉट सर्टिफिकेट इज। सीड लॉट सर्टिफिकेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल या ऑरेंज और ग्रीन बोथ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, ऑरेंज और ग्रीन बोथ। जो सीड लॉट सर्टिफिकेट का कलर होता है वो ऑरेंज होता है और ग्रीन दोनों होता है। ऑरेंज कब होता है? जब आपका सीड सैंपल जो है सेम कंट्री में लिया जाता है और सेम कंट्री में उसकी टेस्टिंग होती है, तो वहाँ पर जो आपको अगर वो पास हो रहा है सीड सर्टिफिकेशन में, तो वहाँ पर आपको सीड लॉट जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ऑरेंज कलर का मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में उसकी टेस्टिंग करा रहे हैं और दूसरे कंट्री से उसका सैंपल ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपको सीड लॉट सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्रीन कलर का मिलेगा। इसलिए जो सीड लॉट सर्टिफिकेट होता है वो आपका ऑरेंज भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सीड सैंपल का जो सर्टिफिकेट कलर होता है कौन सा होता है, तो वो होता है ब्लू। ठीक है, सीड लॉट सैंपल का जो सीड सैंपल होता है उसका जो सर्टिफिकेट कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट्स। जो ड्राइंग करते हैं सीड की वो किस लिए करते हैं? वेबिलिटी एंड वाइगर को मेंटेन करने के लिए, प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए, ऑयल कंटेंट और केमिकल कंपोजिशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेबिलिटी एंड वाइगर। जो हम लोग सीड को ड्राई करते हैं उसकी वेबिलिटी और वाइगर को मेंटेन करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज ऑफ कैरेट इज। जो कैरेट की फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 98%, 96%, 97% और 95%। तो सबसे ज़्यादा, पहले तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज यहाँ पर किसकी है? ठीक है, तो मैक्सिमम हमारी किसकी होती है? मैक्सिमम होती है मेज। ठीक है, मेज एंड भिंडी। ठीक है, एबलमोस्टस एस्कुलेंटस, मेज और भिंडी की सबसे ज़्यादा होती है। मिनिमम किसकी होती है? कैरेट की, याद रखना है। ठीक है, मिनिमम किसकी होती है फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज? कैरेट की, जो कि 95% होती है। मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। 97% अगर पूछे किसकी होती है, तो सोयाबीन, जूट या सीसेम। ठीक है, इन क्रॉप की कितनी होती है? 97 और 98 जो मोस्ट ऑफ द हमारी जो सीरियल क्रॉप्स हैं, मीन्स आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्रॉप की जो फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज होती है वो 98% होती है, और 96 होती है ग्राउंड नट की। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक याद रखिएगा, से 96 हमारी ग्राउंड नट की हो गई। ठीक है, ग्राउंड नट की हो गई। 95 किसकी हो गई? कैरेट की हो गई। 98 मोस्ट ऑफ द जो सीरियल्स होती हैं या क्रॉप्स होती हैं उनकी 98% होती है, और सबसे ज़्यादा याद रखना है भिंडी और मेज की, इसकी 99% होती है। देन क्वेश्चन नंबर फोर, पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर आर गिवन इन द डैश ऑफ द सीड एक्ट। जो पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर हैं वो किस सेक्शन में दी गई हैं? सेक्शन 5 में, सेक्शन 13 में, सेक्शन 12 में या सेक्शन 14 में। ठीक है, तो सभी सेक्शन का देख लेते हैं। तो सेक्शन 5 में क्या दिया गया? पावर टू नोटिफाई अ वेराइटी। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटी किस में है? सेक्शन 5 में। सेक्शन 12 में क्या है? सीड एनालिस्ट। और सेक्शन 13 में क्या है? सीड इंस्पेक्टर। और पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर किस में दी गई है? सेक्शन 14 में। ठीक है, याद रखना है जो चारों दिए गए इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटी, सेक्शन 12 में क्या है? सीड एनालिस्ट। ठीक है, और सेक्शन 13 में सीड इंस्पेक्टर, एंड सेक्शन 14 में पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 5, द इक्विपमेंट यूज टू अप्लाई केमिकल्स दैट इन्वॉल्व सस्पेंशन एंड वेटेबल पाउडर ट्रीटमेंट मटेरियल इज इन वाटर इज। स्लरी ट्रीटर, पैनोजन, डायरेक्ट ट्रीटर या मिस्टोमेस्टिक ट्रीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? स्लरी ट्रीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इज कॉल्ड एज स्लरी ट्रीटर। देन क्वेश्चन नंबर 6, जर्मिनेशन इज इनहिबिटेड बाय। जो जर्मिनेशन होती है किस लाइट के द्वारा इनहिबिट होती है, मीन्स रुक जाती है? रेड लाइट, ब्लू लाइट, यूवी लाइट और आईआर, इंफ्रारेड लाइट। ठीक, आईआर का मतलब इंफ्रारेड लाइट। तो जो जर्मिनेशन होती है वो इनहिबिटेड किसके द्वारा होती है? तो आईआर लाइट के द्वारा। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन जो प्रमोट करता है वो कौन है? तो रेड लाइट। ठीक है, ये क्या करता है? जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। और भी लाइट जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, लेकिन हाईली जो प्रमोट करता है वो कौन है? रेड लाइट। और जो जर्मिनेशन इनहिबिट करती है कौन सी लाइट है? अल्ट्रावायलेट लाइट, सॉरी इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड लाइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, फंगी एंड बैक्टीरिया यूजुअली इंटर थ्रू। जो फंगस और बैक्टीरियाज होते हैं वो यूजुअली किसके द्वारा प्लांट में इंटर करते हैं? ठीक है, प्लांट की बात किया, प्लांट में किसके द्वारा इंटर करते हैं? स्टोमेटा, वाउंड्स, हाइड्राथोड्स या स्टेम। तो फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूजुअली हमारे जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा इंटर करते हैं प्लांट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर?
करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू हरियाली योजना, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हरियाली योजना से रिलेट करता है, ठीक है, सॉयल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट या ग्रास मैनेजमेंट। सो हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रोयो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, इम्ब्रोयो का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के इम्ब्रोयो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकैरपी या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रोयो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देखिए वहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपोमिक्सिस और पार्थेनोकैरपी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, अब मीन्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले सिमिलरिटी समझते हैं कि सिमिलरिटी क्या है, दोनों क्या हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, दोनों क्या है, असेक्सुअल, ये हमारी सिमिलरिटी है कि दोनों असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जो एपोमिक्सिस होता है और जो पार्थेनोकार्पी होता है, एपोमिक्सिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, ठीक है, एपोमिक्सिस से क्या बनता है, सीड फॉर्मेशन होता है, लेकिन पार्थेनोकार्पी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो ये ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों में डिफरेंस है कि जो पार्थेनोकार्पी होता है वो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, तो दोनों में डिफरेंस यही है, याद रखिएगा, एपोमिक्सिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, वेयर एज पार्थेनोकार्पी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। देन क्वेश्चन नंबर 10, कॉजिंग एजेंट ऑफ स्ट्राइप रस्ट, स्ट्राइप रस्ट का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पक्सिना स्ट्राइफॉर्मिस, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई या पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई, ठीक है। तो स्ट्राइप रस्ट का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक है, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्ट्राइप रस्ट। स्ट्राइप रस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो यह भी याद रखना है, येल्लो रस्ट, ठीक है, येल्लो रस्ट है उसको हम स्ट्राइप रस्ट को येल्लो रस्ट के नाम से जानते हैं। और ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट, ठीक है, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट दोनों एक ही है, उसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है वो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई, जिसे हम लोग किलर डिसीज ऑफ राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लैक रस्ट या लीफ रस्ट को किलर डिसीज ऑफ राइस के नाम से जानते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन स्ट्राइप रस्ट का क्या है, पक्सिना स्ट्राइफॉर्मिस। देन क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल नेमाटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, जो नेशनल नेमाटोड कलेक्शन है इंडिया का वो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में है, जबलपुर, लखनऊ या बेंगलोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली, नेशनल नेमाटोड कलेक्शन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, एज पर सीड स्टैंडर्ड एवरेज डायमीटर ऑफ ऑनियन बल्ब शैल नॉट बी लेस देन, जो सीड स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो डायमीटर होना चाहिए सीड बल्ब का सोइंग के लिए वो कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो एवरेज डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, उससे लेस नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, देसी कॉटन इज, जो देसी कॉटन होती है वो क्या, कौन सी होती है, गोसैपियम हर्बेसियम, बारबेडेंस, हिर्सुटम या बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर गोसैपियम, बारबेडेंस एंड हिर्सुटम, इनको हम लोग इजिप्शियन कॉटन कहते हैं, ठीक है, इजिप्शियन कॉटन है। और जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ये देसी कॉटन है, ठीक है। दूसरी और कौन सी है, अर्बोरियम, गोसैपियम अर्बोरियम, ठीक है, अर्बोरियम जो है वो भी क्या है, देसी कॉटन। तो हर्बेसियम एंड अर्बोरियम आर देसी कॉटन, वेयर बारबेडेंस एंड हिर्सुटम आर इजिप्शियन कॉटन। देन क्वेश्चन नंबर 14, ट्राइजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंजाइम, जो टेट्राजोलियम टेस्ट है किस इंजाइम के एक्टिविटी लेवल को डिटरमाइन करता है, एटपेज, हाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज या आइसोमरेज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेज, मीन्स ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइड्रोजिनेज जो टेट्राजोलियम टेस्ट है वो किस इंजाइम को के लेवल को मतलब डिटरमाइन करता है, वो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। देन क्वेश्चन नंबर 15, द वाइगर टेस्ट मेथड डेट एस्टिमेट डी कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटीज, कौन सा वाइगर टेस्ट मेथड है वो जो कि डी कार्बोक्स मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को डिटरमाइन करता है, एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, टेट्राजोलियम टेस्ट, गार्डा टेस्ट, लीचेट टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो टेट्राजोलियम हमारा वेबिलिटी को
करता है, ठीक है। गाडा टेस्ट क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, मींस क्या करता है ये सीड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक, उसके बेसिस पर ये सीड के वाइगर को टेस्ट करता है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उतना ज़्यादा जो क्या होगा सीड हमारी वाइग्रस होगी, ठीक है। लेचेट टेस्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर जो सीड का वाइगर है उसको मेजर करता है। जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा हमारा जो सीड है वो लेस वाइग्रस होगा, ठीक है। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइगर है, और जो गाडा टेस्ट है मीन्स कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइगर टेस्ट। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सीड उतनी ज़्यादा वाइग्रस होगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी सीड उतना कम वाइग्रस होगी। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉल्ड एज, जो कॉलीफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है, कैटकिन, हेड, बल्ब या कड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, कड। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज कड। देन क्वेश्चन नंबर 17, सीडलेसनेस इन फ्रूट इज कॉल्ड एज, फ्रूट में सीड का न होना क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस या नॉन ऑफ द एबव। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, सीडलेस फ्रूट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द पैथोजन इज लूजली मिक्सड विद सीड इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरोटिया गॉल्स कॉल्ड, जब हम लोग पैथोजन को लूजली सीड में मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, इन्फेस्टेशन कहते हैं, कॉन्टेमिनेशन या कॉन्टेमिनेशन, ठीक है। ये जो नया टर्म है ये कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेमिनेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर जो हमारे पैथोजन्स हैं उसको लूजली मिक्स कर देते हैं सीड में, इस पैथोजन इन द सेंस उसके जो स्क्लेरोटिया हैं, ठीक है, टेलियोस्पोर है, उनको मिक्स कर देते हैं सीड में, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्टेमिनेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ राइस, राइस का जो सेंटर ऑफ ऑरिजिन है वो क्या है, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका। तो याद रखना है जो बीट का होता है तो वो होता है साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, डब्ल्यू से वीट तो डब्ल्यू से वेस्ट, और राइस का क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, साउथ ईस्ट एशिया। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल रूट पैरासाइट, इनमें से कौन है जो कि टोटल रूट पैरासाइट है, ऑर्बेंची, कोनोफेलिस, एपिटेगस या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसने पूछा कि कौन सा टोटल रूट पैरासाइट है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, मीन्स तीनों ऑर्बेंची, एपिटेगस एंड कोनोफेलिस हमारे तीनों क्या हैं, टोटल रूट पैरासाइट है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रो आउट टेस्ट इज डन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ, जो ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है वो किसके वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंटेज और नन ऑफ दिस। तो ग्रो आउट टेस्ट जो होता है वो हमारा जेनेटिक प्योरिटी को करने के लिए किया जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, पॉसिबल रीजन फॉर द सीड डॉर्मेंसी इज, जो सीड डॉर्मेंसी का पॉसिबल रीजन है किसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, क्रैकिंग ऑफ हल्स, इमेच्योर एम्ब्रियो या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और क्रैकिंग ऑफ हल्स तो हमारा डॉर्मेंसी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन भी नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इमेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, जिसे हम लोग प्राइमरी डॉर्मेंसी कहते हैं। जो प्राइमरी डॉर्मेंसी होती है जो कि सीड के अंदर जो फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर, उसकी वजह से डॉर्मेंसी होती है, वो हम प्राइमरी डॉर्मेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा, इमेच्योर एम्ब्रियो इज अ रीजन फॉर सीड डॉर्मेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लॉटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्टिंग डिटेक्ट्स प्राइमली, जो ब्लॉटर मेथड होता है सीड हेल्थ टेस्टिंग का वो क्या डिटेक्ट करता है, सीड में वायरस को डिटेक्ट करता है, नेमाटोड को, बैक्टीरिया को या फंगस को, ठीक है। तो ब्लॉटर मेथड ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। मीन्स ब्लॉटर मेथड क्या डिटेक्ट करता है, फंगस को। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करनाल बंड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक NaOH सीड सोकिंग मेथड करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, वॉशिंग टेस्ट, ठीक है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, करनाल बंड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24, मिडल लेयर ऑफ फ्रूट वॉल इज कॉल्ड, जो फ्रूट की मिडल लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, मेसोकार्प, पेरिकार्प, मेरिस्टेम या एंडोस्पर्म। तो मिडल लेयर ऑफ फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज मेसोकार्प। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, स्लो ड्राइंग सीड इज,
कौन सी है जो कि स्लो ड्राइंग सीड है, पल्सेस, रैप सीड एंड मस्टर्ड, सीरियल्स या मिलेट्स। ठीक है, तो स्लो ड्राइंग सीड कौन सी हो गई, पल्सेस। पल्सेस मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, पल्सेस, पल्सेस आर स्लो ड्राइंग सीड। देन क्वेश्चन नंबर 26, यूजली माइट डजेंट सर्वाइव बिलो, जो माइट्स होते हैं वो किस टेम्परेचर के बिलो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो माइट होते हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 27, डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड इज, बताना है कि कौन सी सीड डाइकॉट है और एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर, फेन्यूग्रीक, बीन या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जो कैस्टर होती है वो हमारी डाइकॉट सीड है, फेन्यूग्रीक भी डाइकॉट सीड है और जो बीन है वो भी हमारी क्या है, डाइकॉट सीड है। लेकिन आगे दिया है कि एंडोस्पर्मिक, ठीक है, कौन सी सीड है जो कि एंडोस्पर्मिक है, तो जो बीन है ये हमारी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ठीक है, मोस्टली जो लेग्यूमिनस फैमिली की सीड्स होती हैं, मोस्टली जैसे पी हो गई, ठीक है, ये हमारी सभी क्या होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं। तो यहाँ पर पूछा कि डाइकॉट एंड एंडोस्पर्मिक मीन्स कैस्टर और फेनुग्रीक जो हो गई, ये दोनों आपकी क्या है, डाइकॉट एंडोस्पर्मिक, मीन्स ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 28, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ISTA वॉज फाउंडेड इन ईयर, जो ISTA है वो किस ईयर में फाउंड किया गया, 1874, 1976, 1914 या 1924। तो ISTA वॉज फाउंडेड इन ईयर 1924, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी याद, हेडक्वार्टर याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जो फाउंड कब हुआ, 1924 में। देन क्वेश्चन नंबर 29, जनरली हाउ मेनी जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में कितने जनरेशन सिस्टम सीड प्रोड्यूस होती है। तो जनरली हम लोग तीन जनरेशन सिस्टम पढ़ते हैं, 3 जनरेशन सिस्टम, 4 जनरेशन सिस्टम एंड 5 जनरेशन सिस्टम। ठीक है, तो पूछा कि इंडिया में कौन से जनरेशन सिस्टम सीड प्रोड्यूस होती है, कितने जनरेशन सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, 3 जनरेशन सिस्टम। ठीक है, 3 जनरेशन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनाते हैं, फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 4 जनरेशन सिस्टम में क्या होता है, ब्रीडर, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन फर्स्ट एंड फाउंडेशन सेकेंड। ठीक है, फाउंडेशन से फिर फाउंडेशन सेकेंड और उसके बाद फिर सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। और दूसरा होता है, तीसरा 5 जनरेशन सिस्टम, वहाँ पर क्या करते हैं, पहले ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन फर्स्ट से फाउंडेशन सेकेंड, फाउंडेशन सेकेंड के बाद सर्टिफाइड फर्स्ट और सर्टिफाइड फर्स्ट के बाद सर्टिफाइड सेकेंड। ठीक है, तो ये मोस्टली किस में किया जाता है, ऐसी सीड जिनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वहाँ पर तो हम 5 जनरेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ग्राउंडनट। ठीक है, ग्राउंडनट इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल आपका 5 जनरेशन सिस्टम का। देन क्वेश्चन नंबर 30, वाइल सैम्पलिंग फ्रॉम अ सीड लॉट ऑफ 50 बैग द मिनिमम नंबर ऑफ प्राइमरी सैंपल शुड बी, जब हम लोग सीड सैंपलिंग करते हैं तो वहाँ पर अगर 50 बैग है तो मिनिमम हम लोग कितने सैंपल लेंगे, 5 सैंपल लेंगे, 15 सैंपल, 10 सैंपल या 20 सैंपल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि अगर वहाँ पर 50 बैग्स हैं तो कितने सैंपल्स हम लोग लेंगे। तो याद रखना है, अगर आपके पास 0 से 5 बैग हैं, ठीक है, मीन्स आपके पास 5, तो वहाँ पर हम लोग 5 सैंपल लेंगे, मीन्स हर एक बैग से 1 सैंपल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर आपके पास 6 से 31 बैग हैं तो वहाँ पर भी हम लोग कितने सैंपल लेंगे, 5 सैंपल लेंगे फ्रॉम एवरी 3 बैग। ठीक है, हर एक 3 से 1 सैंपल कम से कम लेंगे, तो मैं मिनिमम कितने लेंगे, 5 सैंपल। लेकिन अगर आपके पास 31 से 32 से आपके पास अगर ज़्यादा सैंपल है, 400 तक है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कितने लेंगे, 10 सैंपल। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने बैग हैं, 50, मीन्स 31 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30 कर लीजिए और यहाँ पर 31। ठीक है, 31 से अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हम कितने सैंपल लेंगे, 10। लेकिन अगर यही ग्रेटर देन 400 हो गया तो वहाँ पर कितने सैंपल होंगे, 80। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अगर 0 से 5 बैग हैं तो 5 सैंपल, 6 से 30 बैग हैं तो 5 सैंपल, अगर 31 से 400 बैग्स हैं इनके बीच में हैं तो 10 सैंपल्स लेंगे, अगर ग्रेटर देन 400 हैं तो 80 सैंपल। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका आपके यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 50 बैग कितने सैंपल होंगे, 10। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।